हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी कई बार पूछे जा चुके हैं, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, चाहे आपका एग्जाम RPF को, SSC GD को, VDO को, UP पुलिस को, बिहार पुलिस को, हरियाणा पुलिस को, कोई भी एग्जाम है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और जो दोस्तों अब तक चैनल के साथ में नहीं जुड़े तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और दोस्तों, ये सभी ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये जो नीचे जो आपका त्रिभुज का साइन दिखेगा उस पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल के आ जाता है। उसमें RPF कॉन्स्टेबल के लिए, RPF SI के लिए, ग्रुप डी के लिए, UP VDO के लिए, LPCBT 2 के लिए, सभी के लिए 20-20 टेस्ट हैं अवेलेबल 120 रुपये में, ठीक है। डिस्काउंट कोड आपको ये फिल करना है, बाकी डिटेल में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे, वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है इस सीरीज का, और देखिए साथ साथ में आप क्वेश्चन को ट्राई भी कर सकते हैं, और जो भी राइट आंसर आपका आएगा उसे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को ट्राई करिए। इसमें पूछा जा रहा है निम्न श्रृंखला को पूरा कीजिए, तो यहाँ पे आपको ये वाली बतानी है नेक्स्ट क्या आएगा, 12 के बाद क्या आएगा। अगर आप इस सीरीज को थोड़ा ध्यान से देखें तो ये सीरीज आपकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, फिर 6 रहा, फिर 9 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 12 हो गया। मतलब कभी इंक्रीज है, कभी डिक्रीज है, कभी कॉन्स्टेंट है। तो ऐसी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी सीरीज बहुत ही सिंपल होती है, क्योंकि ये दिखने में लगता है आपको कि ये बहुत ही अलग सी है, बट यहाँ पे दो पैटर्न चलते हैं इसमें। पहले वाला पैटर्न तो देखिए इस तरीके से चल रहा है, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8 और 2 5 हो जाएगा 10, यानी कि सभी में 2-2 का इंक्रीमेंट। फिर 3-3 का चलेगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12। अगर नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जाता 3 4 12, 3 5 15, यहाँ पे आपका 15 आ जाता, बट ये नहीं पूछा गया, बस आपको 10 यहीं पर यही पूछा गया था, तो ये 10 हो जाएगा, 10 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके की सीरीज जब भी आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग या कॉन्स्टेंट ऑर्डर में चलती है तो उसमें दो पैटर्न चलते हैं, जैसे कि ये एक सीरीज नहीं होगी, एक सीरीज तो ये आपकी चल रही है और एक सीरीज आपकी ये चल रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पूछा जा रहा है नीचे दी गई संख्याओं की श्रेणी में गलत संख्या को ज्ञात कीजिए। तो जो आपकी ये सीरीज लिखी है इसमें एक जो सीरीज पूरी सीरीज में पैटर्न फॉलो हो रहा है वो एक में नहीं फॉलो हो रहा है, वो आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा है वो गलत है, ठीक है। तो वो आपको बताना है, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं ये देखूँ तो ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये आपका 11 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, और ये 15 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे, ये 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये सभी विषम संख्या है, ठीक है, और ये 6 जो है आपकी सम संख्या है। तो आपका यहाँ पे 6 ही आपका ये हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पे सभी में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, विषम का, और ये आपका बीच में 6 सम आ गया, तो ये 6 जो है सम का स्क्वायर है, तो यही आपका गलत हो जाएगा, यानी कि 36 इज़ द राइट आंसर। तो ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है 2-3 बार रेलवे के एग्जाम में, ठीक है, अलग अलग रेलवे के एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आ चुका है। और इसी में ऐसा होता है कि आपकी संख्या चेंज कर दी जाएगी, स्क्वायर वाला क्वेश्चन बन ही जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको निकालना है ये वाला यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से पैटर्न फॉलो करके चीज़ें बन रही है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे क्या चल रहा है, 3 की 3 में करेंगे 9, और 9 की 3 में करेंगे 27, और 27 की 3 में करेंगे 81, ठीक है। तो यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई चल रही है सभी में, तो यहाँ पे 6 में 3 की करेंगे तो 18, 18 में 3 की करेंगे तो 54, और 54 में 3 की करेंगे तो 162। फिर यहाँ पे 7 में 3 की करेंगे तो 21, 21 आ जाएगा, और 21 में 3 की करेंगे तो सीधा सीधा 63 आपका आ रहा है, ठीक है। तो 63 में 3 की करेंगे तो 189 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 63 इज़ द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, आशा करता हूँ कि आपने ट्राई कर लिया होगा। जब भी क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो वीडियो को एकदम रोक करके ट्राई कर लिया करें कि आप उस क्वेश्चन को सही कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसको ट्राई करिए, और आशा करता हूँ कि आप इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा तो हो जाएगा, और वीडियो को रोक करके ट्राई करिएगा, मैं आपको बताता हूँ इसमें चल क्या रहा है। देखिए बेसिकली ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बन रहा है, ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बनेगा, फिर इनसे जब ये बनेगा, ठीक है, इनके से, बट इसमें चल क्या रहा है ये आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 7, 7 का अगर मैं क्यूब कर दूँ तो कितना होगा, 343, ठीक है।
26 और 12 का डिफरेंस कितना होगा आपका 14, 14 का अगर मैं क्यूब कर दूं तो कितना होगा 2744। 8 और 6 का डिफरेंस कितना होगा 6, 6 का क्यूब कर दूं मैं तो 216। तो वैसे ही आपका क्या होगा 22 और 10 का डिफरेंस कितना होगा 12, और 12 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 1728। ठीक है, तो 1728 इज़ द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन देख लीजिए कौन सा होगा, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए कम से कम आपके 15 तक क्यूब याद होने चाहिए और 50 तक स्क्वायर बिल्कुल रटे होने चाहिए, जो एकदम बोला जाए तो एकदम बता दिया जाए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत टाइम सेव करते हैं। अगर आपको यहाँ पे 12 का क्यूब नहीं पता था, सॉरी 12 का क्यूब नहीं पता होगा, तो आप यहाँ पे बहुत टाइम भी लगा सकते हैं और यहाँ पे गलत भी कर सकते हैं। अगर पता है तो आपने एकदम यहाँ पे 1728 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत आसान बना देती हैं कई बार क्वेश्चंस को, और बहुत ही टाइम सेविंग होती है। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी बेकार नहीं होती। अगर आप स्क्वायर, क्यूब रूट, ये चीज़ें याद करते हैं तो कभी भी ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होता है, ये टाइम सेविंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं ऐसा करता हूँ कि आप इसका राइट आंसर कर सकते हैं, और करने की मतलब कोशिश तो ज़रूर करिएगा, जो भी आपका चाहे गलत हो चाहे सही हो आप करिएगा ज़रूर। ठीक है, तो 5 का राइट आंसर क्या रहेगा, कथन यहाँ पे दे रखा है, सभी ऐसे बेरोजगार भारतीय युवाओं को जो 18 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। थोड़ा सा कथन को ध्यान से पढ़िए, समझने की कोशिश करिए कि इसमें बोला क्या गया है। यहाँ पे बोला जा रहा है सभी ऐसे बेरोजगार भारतीय युवाओं को जो 18 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं और बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। पूर्व धारणाएं क्या क्या है ये देख लेते हैं। भारत में ऐसे बेरोजगार युवा हैं जिन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। तो यहाँ पे मतलब धारणा ये रही होगी कि आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता है, तभी ये चीज़ें बोली गई है कथन में। तो आपका पहला बिल्कुल राइट हो सकता है, मतलब राइट हो नहीं सकता, राइट है। ठीक है ना, क्योंकि जो कथन में बोला जा रहा है ये उससे रिलेट करता है और उसके एक स्टेप आगे जा रहा है। जो चीज़ें कथन में बोली जा रहे हैं कि यहाँ पे जो भारतीय युवा हैं, बेरोजगार युवा हैं, 18 साल की ऊपर से आयु के युवा हैं, उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। तो भारत में ऐसे बेरोजगार युवा हैं, सबसे पहली बात तो यही, अगर ऐसे बेरोजगार युवा हैं तभी कथन दिया गया होगा, जिन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। तो जिन्हें आर्थिक सहायता की, ये बहुत अच्छी बात लिखी यहाँ पे, जिन्हें आर्थिक सहायता की, क्योंकि यहाँ पे भी यही बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे में बोला जा रहा है सरकार के पास सभी बेरोजगारों युवाओं को भत्ता देने हेतु पर्याप्त धनराशि है। तो ये कहना कुछ भी यहाँ पे मतलब गलत होगा कि है या नहीं है, तो ये हम नहीं बोल सकते क्योंकि इससे कोई भी रिलेट नहीं करता है कथन। तो यहाँ पे पहला आपका राइट हो जाएगा, दूसरा आप रॉन्ग हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपने सभी ने इसका राइट आंसर किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 6, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 6। सभी पेपर लड़कियां हैं, कुछ लड़कियां धातुएं हैं और सभी धातुएं ग्लास हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक वेन डायग्राम क्रिएट करेंगे। सभी पेपर लड़कियां हैं, तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक पेपर बनाया, पेपर का एक गोल बनाया, उसके ऊपर को लड़की बना दी, यानी कि सभी के सभी पेपर लड़की बन गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन पे रहिएगा, इधर उधर दिमाग मत चलाइएगा। पेपर लड़कियां हैं, कुछ लड़कियां धातुएं हैं, तो कुछ लड़कियां धातु हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ वाली कंडीशन, लड़की के बारे में बात की गई है कि कुछ लड़की, तो आपने धातु वाला वेन डायग्राम इस तरीके से हल्का सा कट लगा के बना दिया, तो कुछ लड़की धातुएं हो जाएंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में बोला जा रहा है कि सभी धातुएं ग्लास हैं, तो आपको क्या करना है, सभी धातुएं ग्लास हैं, तो ये धातु वाले ग्लास के ऊपर को आपका ये वाला जाएगा, तो सभी धातुएं ग्लास हो जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये धातु वाले गिलास को कवर करेगा, धातु मतलब धातु को गिलास कवर करेगा, तो ये कुछ ना कुछ आपका लड़की भी हो जाएगा, क्योंकि लड़की को धातु ने कट कर रखा है तो ये भी कट करके ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम पढ़ लेते हैं निष्कर्ष। तो पहला है कुछ गिलास लड़कियाँ हैं, देखिए जो बिल्कुल मैंने बोला अभी वही हो गया, कुछ गिलास लड़कियाँ हैं। तो यहाँ पे देखिए धातु ये हैं और ये आपका गिलास है, तो कुछ धातुएं लड़कियाँ हैं, तो सॉरी कुछ गिलास लड़कियाँ हैं, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका पहला राइट आंसर बन जाएगा। दूसरा है कुछ गिलास धातुएं हैं, तो कुछ गिलास धातुएं भी हो जाएंगी भाई, कुछ गिलास धातु, जब सभी की सभी धातु गिलास है तो कुछ धातुएं भी तो गिलास हो जाएंगी, तो दूसरा भी आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो दोनों राइट हो जाएंगे, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आशा करता हूँ कि आप इसको ट्राई करेंगे और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा है,
दे रहा था, घड़ी में उस समय 4:25 हुआ था। यानी कि एक घड़ी है, ठीक है, मान लीजिए घड़ी है, उसमें आपका 4:25 हो रखा है, ठीक है। अगर दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब का किसी दूसरे दर्पण में पुनः प्रतिबिंब दिखाई दे, यानी कि अब ये जो बजा है, अब दोबारा फिर एक और प्रतिबिंब में देखा जाए इसको, दूसरे प्रतिबिंब, दूसरे मतलब शीशे में देखा जाए, तो इस दूसरे दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब में क्या समय प्रदर्शित हो रहा होगा। भाई सिंपल सा फंडा है, या तो आप इसका पूरा डायग्राम बनाइए और ये चीज़ें सब कुछ करिए, या फिर आपको क्या करना है, 4:25 एक घड़ी में दिख रहा है, ठीक है, घड़ी के प्रतिबिंब में दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एक जो मतलब मिरर है उसमें दिख रहा है 4:25। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है दूसरे वाले प्रतिबिंब में 4:25 का क्या बजेगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ 12 में से 4:25 माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा आपका, 7:35 बच जाएगा। भाई 12 में से 4:25 माइनस करेंगे तो 7:35 बचेगा ना, तो आपका 7:35 राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, भाई 4:25 आपका बज रहा है एक घड़ी में। तो यहाँ पे ये ट्रिक है कि जब भी दूसरे आपको मिरर में देखना है कि घड़ी में 4:25 बज रहे हैं, ठीक है ना, और आपको उससे पूछा जाए कि शीशे में या उसमें दर्पण में क्या दिखाई देगा उस टाइम पे, तो आपको क्या करना है, 12 में से माइनस कर देना है उतने को ही, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 7:35, यानी कि ऑप्शन देखिए 7:35 यहाँ पे होगा, 4 नहीं होगा, ये होगा आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा सा आपको अगर आप बोलेंगे तो इसको मैं दोबारा से फिर बता दूंगा अगर समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे आपको बताना है ये खाली स्थान भरना है, इसमें क्या आएगा, 2928 खाली स्थान, 126, 216। ठीक है, सीधा सीधा सा अगर थोड़ा सा ध्यान लगाए ना आप तो समझ में आ जाएगा कि ये क्यूब प्लस 1 है, 1 का क्यूब 1 प्लस 1 तो 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में प्लस 1 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 का क्यूब आपका 27 होता है, 27 में 1 प्लस करेंगे 28 हो जाएगा, फिर आपका 4 का क्यूब कितना होता है, 64 प्लस 1 करेंगे तो 65 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आपका करेंगे 5 का क्यूब तो 125, 125 में प्लस 1 करेंगे तो 126, इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करिए जल्दी से और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। भाई ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आप कर सकते हैं इसको, क्योंकि इनका डिफरेंस चेक करिए, कितना डिफरेंस है, 109, ठीक है, तो इनके बीच का 109 है, 109 है, 109 है, तो आप क्या करेंगे भाई, जब इसके बीच का 109 है तो यानी कि 453 में 109 प्लस किया होगा तो 562 बन गया, 562 में 109 प्लस करेंगे तो कितना बनेगा, 672, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 672 में 109 प्लस करिए 780, एंड कंटिन्यू यही चलता रहेगा 109 प्लस करके, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। बहुत सारी सीरीज ऐसी ही आती हैं आपके एग्जाम में, बस उस टाइम पे अभी मैं करा रहा हूँ तो आपको आसान लग रहा होगा, कह ले यार ये तो बहुत आसान है, बट यही क्वेश्चन आपको जब एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो वहाँ पे आपका माइंड इतना मतलब अगर स्ट्रॉन्ग है और आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो एकदम कैच कर जाएंगे, अदरवाइज आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों में भी फंस जाते हैं और घर पे आके सोचते हैं तो एकदम हो जाती हैं वो चीज़ें। तो ये चीज़ें ही मैं आपको सोच रहा हूँ कि करा दूँ कि आपकी प्रैक्टिस बन जाए, आप लगातार वीडियो देखते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी और अच्छे से ये सारी चीज़ें आप कैच करने लगेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है और इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा और आशा करता हूँ कि आप कर भी देंगे, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखिए अगर मैं 21 माइनस कर दूँ तो 19 हो जाएगा, और नेक्स्ट आपका क्या माइनस करूँ मैं यहाँ से, देखिए यहाँ पे 19 माइनस होगा, यानी कि माइनस दो दो चल रहा है, 21 फिर 19 फिर मैं 17 माइनस करूँगा तो 63 आ जाएगा, फिर मैं 15 माइनस करूँगा तो आपका ये आ जाएगा, फिर 13 माइनस करूँगा, देखिए इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस आया, 2 का आया, 2 का आया, इनके बीच में भी 2 का डिफरेंस आया, तो यहाँ पे जब 48 में से 13 माइनस होंगे तो क्या बचेगा, 35, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। 21 माइनस हुआ, फिर 19 हुआ, फिर 17 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 13 हुआ, ठीक है, इसी तरीके से आपका चलता रहेगा अगर आगे भी पूछा जाता तो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 ऐसा आ दिया, ठीक है ना, तो इसको ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में, यहाँ पे देखिए 25 आएगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो यहाँ पे 25 यानी कि 5 का स्क्वायर, यहाँ 6 छोड़ के 7 का स्क्वायर, यहाँ 8 छोड़ के 9 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ 10 छोड़ के 11 का स्क्वायर आएगा, ठीक है भाई, 9 का ये है, 10 छोड़ के 11 का आएगा, यानी कि 121 आपका राइट आंसर बन जाएगा, ये 11 का हो गया, 12 छोड़ के 13 का, 14 छोड़ के 15 का, तो ये आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है भाई। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यह आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है,
तो ये क्वेश्चन नंबर 12 होगा और इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले जब कभी भी संख्या निकालनी होती है कि सीरीज में सबसे पहला ही क्या होगा, तो आप पीछे से स्टार्ट करिए। इनके बीच का डिफरेंस देखिए 30 है, इनका भी डिफरेंस 30 है, इनका भी डिफरेंस 30 है, इनका भी डिफरेंस 30 है। तो यहाँ पे क्या रखा जाए कि जिनका डिफरेंस 30 आ जाए तो यहाँ पे 15 रखा जाएगा, क्योंकि आप सीधा सीधा ये भी बोल सकते हैं कि 45 में से 30 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा, तो यहाँ पे 15 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन सेकंड हो गया होता है, इसमें टाइम नहीं लगाना होता है, इसमें 30 सेकंड से ज़्यादा अगर आप टाइम लगा रहे हैं तो इसका मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आते भी हैं, ऐसी बात नहीं कि ईजी क्वेश्चन है और आते नहीं, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक दो तो जरूर आता ही आता है, ठीक है। स्कोरिंग सब्जेक्ट है रीजनिंग, बहुत ही आप इसको मतलब स्कोर कर सकते हैं अच्छा खासा अगर आप लगातार इसकी थोड़ी थोड़ी भी प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। आपका कोई भी डाउट है, कोई कुछ भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और जो टेस्ट सीरीज के बारे में आपको बता रहा था, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भी 20 टेस्ट है 120 रुपये में, आरपीएफ एसआई के लिए भी 20 टेस्ट है 120 रुपये में, ग्रुप डी के लिए भी 20 टेस्ट है 120 रुपये में, वीडियो के लिए भी यूपी वीडियो के लिए भी 20 टेस्ट है 120 रुपये में, LPCVT 2 के लिए भी 20 टेस्ट है 120 रुपये में। सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं ये टेस्ट इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि यहाँ पे जो टॉपिक स्टडी पे चैनल पे पढ़ते हैं बच्चे, उनको किसी भी चीज़ की मतलब कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि परचेज़ करिए, जिसको परचेज़ करना है उसको कहीं और दूसरी जगह जाना ना पड़े, सबसे कम प्राइस में उसको सारी चीज़ें मिलती रहें, ठीक है। तो ये ऑनलाइन टेस्ट है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, और इसमें आपको ये वैसे 149 का है बट इसमें आपको 30 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं। ये केवल टॉपिक स्टडी स्टूडेंट के लिए है, तो यहाँ पे कोड यूज़ करिएगा SAURABH SPL, ठीक है, ये आपके लिए कोड है, तो इसको फिल करेंगे तो आपको 30 रुपये का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, और जो भी आपका प्रॉब्लम रहती है तो वेबसाइट पे आपको एक हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, तो वहाँ पे जाके आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी PDF हैं देखिए, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे टॉपिक स्टडी, तो वहाँ पे मिल जाएगा। और भी बहुत सारी PDF लिंक और जितना भी अपडेट होता है वो सब मैं टेलीग्राम पे पूरे दिन करता रहता हूँ, तो यहाँ पे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को लाइक शेयर कर दिया, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।